महिला कांग्रेस पलवल जिला अध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता सविता चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा के कुशासन से प्रदेश की आम जनता परेशान है। इस कुशासन की पोल खोलने के लिए पंचकुला से शुरुआत की जाएगी और पूरे हरियाणा से निकाली जाएगी। इस रैली में सभी महिला नेता अपने क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम करेंगे। इन चौपाल कार्यक्रमों के तहत 4 अक्टूबर को पलवल में रात्रि ठहराव होगा। हथीन खंड के गांव भीमसिका से इसकी शुरुआत होगी और मलाई उटावड मोड़ होते हुए रूपडाका मलपुरी गोहपुर पचानका से हथीन जयंती मोड़ व बाजार से होकर हथीन अनाज मंडी में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इस रैली में हथीन क्षेत्र की हजारों महिला भी भाग लेंगी। उसके बाद 6 अक्टूबर को गुड़गांव में इस महिला पंचायत चौपाल का समापन होगा। इस चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा को भगाना है। उन्होंने बताया कि इस चौपाल कार्यक्रमों को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी लाइव देखेंगे। पलवल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एवं प्रदेश प्रवक्ता, हमारी महिला सम्मान रैली पंचकुला से स्टार्टिंग होगी और पूरे हरियाणा में पूरे काफले के साथ 22 के 22 जिला अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय लेवल के हमारे सारे नेता होंगे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव होंगी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान होंगी, हमारी चारों जिले की कोऑर्डिनेटर रंजीता मेहता होगी और राष्ट्रीय लेवल के हमारे सारे नेता होंगे। तो हमारी पंचकुला से रैली स्टार्टिंग होगी, हरी झंडी वहां से दिखाई जाएगी, उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्टों में आएगी, फिर 4 तारीख को नूह आएगी, नूह के बाद 4 तारीख को नाइट स्टे पलवल होएगा और उसके बाद 5 तारीख को 10 बजे का मेरे यहाँ पे प्रोग्राम है। तो मैं भीमसिका गांव से, जो मेरा हल्का का भीमसिका गांव है, फर्स्ट गांव पड़ता है नूह से, वहां से मैं अपनी मैडम को रिसीव करूंगी। मेरे हल्का की कम से कम 2-3 हजार महिलाएं होंगी, मेरे भाई मेरे साथ होंगे, सारे इलाके के बुजुर्ग सब मेरे साथ होंगे और मैं पूरे काफले के साथ अपनी टीम को पूरे उटावड़ चौक से लेके और जयंती मोड़ तक और पूरे अपने हथीन क्षेत्र में घुमाऊंगी। उसके बाद हथीन अनाज मंडी में उनका प्रोग्राम करूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो उन्होंने मेरे से उम्मीद रखी है उस उम्मीद पे मैं खरी उतरूंगी। उन्होंने कहा है कि आपने पहली रैली भी हरियाणा की नंबर 1 रैली करी थी महिलाओं में, तो मैं चाहती हूं कि इसमें कम से कम मुझे तेरे से उम्मीद है कि मैं 2000 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने मैडम के आदेश पर 2000 नहीं, मैं कम से कम 3-4 हजार महिलाएं करूंगी और ज्यादा से ज्यादा जेंट्स करूंगी और महिला सम्मान रैली को सफल करवाने में पूरी सक्सेसफुल होंगी और आप सबका सहयोग रहेगा। हथीन वासियों से, अपने हल्का के लोगों से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि इस रैली को सफल बनाने में मेरा पूरा साथ दें। क्या मुख्य उद्देश्य रहा है इस रैली का यहाँ पे? इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा है कि हम महिलाएं हर बार पीछे हो जाती हैं, तो जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो महिलाओं की आवाज को उठा रही हैं, वो दिखाना चाहती हैं कि महिला भी हमारे हरियाणा में, किसी भी देश में महिला भी कम नहीं है, क्योंकि एक महिला घर को भी चलाती है, अपने बच्चों को भी पालती है, अपने पति को भी संभालती है, क्या एक महिला देश नहीं संभाल सकती? तो सोनिया गांधी भी एक महिला है जो पूरी देश को संभाल रही है, इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, तो हम चाहते हैं कि हमें भी उन्हीं महिलाओं में नाम दिया जाए ताकि हम भी अपने सम्मान के लिए अपनी लड़ाई को लड़ सकें और अपनी आवाज को आगे पहुंचा सकें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अब की बार महिलाओं की हर विधानसभा लोकसभा में सबसे ज्यादा भागीदारी होगी और महिलाओं को आगे पहुंचाने के लिए वो दिन रात एक कर देंगे।